यहाँ 200 ग्राम पनीर है और 3 लहसुन है, 1 इंच अदरक है, 2 हरी मिर्च है, ये प्याज है, ये सबको मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। पैन में 1 चम्मच मैं घी डाल दी, पनीर को फ्राई करें। मैं पानी गरम की हूँ, पानी में 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। जो पनीर जो फ्राई करेंगे ये गरम पानी में डाल देंगे, ये पनीर मुलायम रहेगा। पनीर फ्राई हो गया है, पनीर को निकाल लेते हैं। जो गुनगुना पानी किए थे इस पनीर को डाल देते हैं कि पनीर सॉफ्ट रहे। हाँ, इसी पैन में बटर डाल दे रहे हैं, बटर मेल्ट हो गया। अब इसमें ये 3 लाल मिर्च है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 तेजपत्ता, 4-5 है काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा है और 1 तेजपत्ता है। सबको मैं इसमें डाल के थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। देखिए ये गरम मसाला सब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, स्मेल आने लगा। अभी इसमें जो मैं 1 प्याज काटी थी उसे डालकर थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। 1 बड़ा टमाटर लिए, इसको कद्दूकस कर लेते हैं। प्याज थोड़ा ब्राउन हुआ है, अब इसमें मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसे फ्राई करूंगी जब तक प्याज लाल ना हो जाए। और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ ताकि प्याज गले। ये भुन गया, अब इसमें मैं 1 चम्मच बेसन डालूंगी, 1 बड़ा चम्मच बेसन डालकर इसको भी थोड़ा इस तरह फ्राई कर लूँगी। बेसन डालने से ग्रेवी भी ठीक होती है और दही नहीं फटता। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला डालूंगी। अब ये सब डालकर भूनना है, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। अच्छी तरह से भुन गया है, तेल भी अलग हो गया। अब इसमें मैं ये टमाटर जो कद्दूकस करके रखी थी इसे डाल देती हूँ और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। अब इसे भी इसको अच्छे तरह से भूनना है। सही हो गया, अब तेल अलग हो गया। अब मैं इससे 2 बड़ा चम्मच मैं इसमें दही डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम स्लो मीडियम में रखिएगा और इस तरह चलाते रहिएगा। मसाला फ्राई हो गया, घी भी अलग हो गया, घी बटर जो डाले थे सब अलग हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, गरम पानी डालेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह मसाला होना चाहिए, भुनने से मसाला अच्छा हो जाता है। अब इसमें मैं गरम पानी डाल रही हूँ, अपने हिसाब से गरम पानी आप डालें। गरम पानी में जो पनीर डाले थे देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसे मैं इसमें डाल देती हूँ, इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिए और कस्तूरी मेथी मैं थोड़ा तावा में गरम कर दी थी इसे भी मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद सबको मिलाकर 5 मिनट तक इसको पकने दीजिए, उसके बाद ये पनीर तैयार हो जाएगा। तो देखिए पनीर तैयार हो गया है, अब सर्व करके खा रही हूँ। देखिए पनीर एकदम सॉफ्ट हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।